नहीं याद है सुनो। जब बोलने की बात हो तो बोलना पड़ता है। अब जब फरिश्ते ले जाते हैं और नबी को पेश करते हैं तो किस हैसियत में पेश करते हैं ये तो बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हैं तो पेश करते हैं। तो अगर फरिश्ते पेश करें तो हैं, और अगर आप उस प्यार से पेश करें जो आशिक रसूल का तरीका है तो फिर अकीदा क्या होगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा आसान नुस्खा है। अगर वुजू सही तरीके से किया जाए ना, एहतमाम के साथ किया जाए तो जिस्म पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह। नमाज खुशू व खुजू से पढ़े जाए तो रूह पाक हो जाती है, और अगर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा शौक के साथ किया जाए तो दिल पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और थोड़ा सा तसव्वुर बनाए अल्लाह के नाम का। सुभान अल्लाह। सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर आए तो अल्लाह। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आज मुझे इजाजत है कि मैं आपको तसव्वुर इसमें अल्लाह दूं। करते रहे करते रहे, और जूं ही आपके अंदर रोशनी, आंखें बंद हैं, रोशनी आ जाए तो आपने अपना सीधा हाथ खड़ा कर देना है। जिसको रोशनी आ जाए वो सीधा हाथ खड़ा करता जाए। जी रोशनी आ गई, आनी शुरू हो गई, इतना ऊंचा हाथ खड़ा करे नजर आए। सुभान अल्लाह, नीचे करने फैज आ चुका है। अब जिक्र करते रहे। अब इसी रोशनी में आपको तवाफ़े काबा का मंजर नजर आएगा और गुंबदे खजरा की जियारत होगी आपको। करते रहे जिक्र जरा। अब जिन जिन को जियारत नसीब हो चुकी है गुंबद खजरा की जियारत, वो हाथ खड़ा कर ले। जिन ऊंचा ऊंचा करे सुभान अल्लाह, बेशक आंख खोल ले और देखें। जिनको जियारत हो चुकी है वो हाथ खड़ा कर ले, और जिनको काबा शरीफ की जियारत हो चुकी है वो भी हाथ खड़ा कर ले। अब ये है वो कैफियत। मेरे बाहू ने रब तौफीक दे दी, ऐसो बैठा ही मदीना विकास। ये नात नात सुनते हैं ना, तो ये नात का ये है उस नात की ताबीर। हजरात ये है आपके घर को बदल देगा, आपके दिल को बदल देगा, ये आपकी दुनिया को बदल देगा। अच्छा अब देखें, मैं आपसे एक मशवरा करना चाहता हूँ।